सब लोग कहाँ से हैं भाई? ये तो सब मजदूर लोग हैं, मजदूर दिहाड़ी वाले। कभी बिहार के हैं, कभी ग्वालियर, कभी टीकमगढ़। अच्छा, कुछ टीकमगढ़ के, कुछ ग्वालियर के और कुछ बिहार के। कुछ बिहार या लोकल है। हाँ जी, सब बेरोजगार हैं। तो अभी अरे इतना बड़ा त्योहार खत्म हुआ तो इतनी जल्दी कहाँ पे आज कोई काम का मिलेगा? काम मिलता ही नहीं है। त्योहार हो चाहे नहीं हो तो भी काम नहीं मिलता है। आदमी शाम के, शाम को आदमी क्या खाएगा? पैसा ही नहीं है खाने के लिए, बताओ क्या कह सकते हैं। मजदूरी धंधा चल रहा है, मजदूरी मिल रही है। 400-500 का काम कर लेते हैं, उससे खर्चा हो जाता है, उतना और क्या। काम धंधा कम है, जनता ज्यादा है, काम धंधा कम है। तो आप लोग डेली मजदूर हैं? मजदूर है, काम धंधा नहीं उतना जितना होना चाहिए। तो खा लोगे संजा। अजी सुबह सुबह वो मजदूर की मार्केट है, नजर पड़ी ग्वालियर में, रुक गए बातचीत के लिए। तो जरूरी है बातचीत, इसमें पता ही चल गया आपको, कुछ लोग टीकमगढ़ के हैं, कुछ लोग ग्वालियर के हैं और कुछ लोकल के हैं। तो इस बार क्या हो रहा है यहाँ पे चुनाव में? चुनाव में क्या, तो ये काम को आए हम तो। लग क्या रहा है, हवा क्या चल रही है? हवा सबकी चल रही है, चल रही कांग्रेस की है। कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस आना है इस बार, कांग्रेस आना, कुछ हो जाए। कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस ही आना, कुछ आगे बढ़ना है तो कांग्रेस आना है। अच्छा, कांग्रेस की 10,000% जीत है भाई साहब, 10,000%, 10,000% जीत है कांग्रेस की, 10,000%, 10,000% जीत है कांग्रेस की, जीत गई। आलू, ये सॉरी आलू कह रहे, ये अमरूद, आलू दिखने लगा। हाँ, तो ये अमरूद क्या भाव है? 30 के आधा किलो, 1 किलो 50। हाँ, और 10,000% का है कि जीत है कांग्रेस की, कांग्रेस, बीजेपी नहीं है, पाजी पन्ना जिला, पन्ना। अरे पाजी पन्ना तो बड़ा गजब की जगह है पाजी, पन्ना मतलब वही वाला पन्ना जो आप पहनते हैं, वही पन्ना, लेकिन जिला पन्ना पास में ही है और जमीनें मिलती हैं वहाँ पे, खुदाई करिए। हाँ जी, खैर, तो क्या लग रहा है इस बार? सही, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस, कांग्रेस। आप बाबूजी कहाँ से? मैं तो जी हरियाणा से हूँ, सोनीपत से। और यहाँ क्या करते हैं ग्वालियर में? मैं तो एक्चुअली थोड़ा काम, लेबर लेने आया था यहाँ से। अच्छा बाजी, आप इस समीकरण को समझिए, हरियाणा के हैं बाबूजी, हरियाणा में कहाँ से हैं आप? तो आए सोनीपत से। बस थोड़ा बात कर लें, हरियाणा सोनीपत से, क्या बात, बिल्कुल दिल्ली के बगल का इलाका, बिल्कुल बगल का इलाका, और आप आए हैं मजदूर लेने। देखो सरकार कोई सी भी हो, हाँ, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा, कुछ नहीं किया बीजेपी ने, कुछ नहीं किया है। हाँ? आज भी मजबूर रोड पे तो कांग्रेस भी आ जाए, नहीं रोड पे तो कांग्रेस भी आ जाए, कांग्रेस ही कौन सा घर बैठ के खिला देगी? कांग्रेस की सरकार में ही नहीं, कांग्रेस कौन सा घर बैठ के खिला देगी? आज बिल है, ठीक है, आज बिल है, क्या है बीजेपी की राज्य में टमाटर 220 बिच गया, कांग्रेस की राज्य में कभी महंगाई नहीं हुई। अब बताइए, रुकिए बाबूजी हरियाणा से आए हैं, ये सारे मजदूर हैं, मजदूरों को ले जाने के लिए आए हैं हरियाणा से। अब बाबूजी आप बोलिए, बीजेपी सही है, कांग्रेस बीजेपी हरियाणा में होगी, हमारे इधर नहीं है, है? हमको पता है कितने मजदूर भूखे सोते हैं ग्वालियर के अंदर, तुमको पता है कुछ? हाँ जी, ग्वालियर में कुछ नहीं हो पाया, सब महंगाई हो रही है, कांग्रेस जी जीतेगी आपकी। ये कोई नहीं, मैं बाहर से हूँ, नहीं बोलने का तो सभी का हक है ना। अच्छा, अब इसमें एक कोई जी सकरवार हो या मोदी बढ़िया लगे, अगर इनको अच्छी होना चाहिए तो मोदी थोड़ी मिल जाएगी, अगर इनको श्रीदेवी अच्छी लगी वो थोड़ी मिल जाएगी, हमको भी मोदी बेकार लग रहा है। कांग्रेस चाहिए ग्वालियर में, एमपी में, कांग्रेस मजदूरों को, ग्वालियर मुरैना भिंड जिला कांग्रेस। आओ बाजी, आओ। हैप्पी दिवाली। आपको मैंने बिहार न्यूज पे देखा है। हाँ, बिहार की न्यूज पे ज्यादा देखा, बिहार की न्यूज पे ज्यादा देखा है। जी जी, बिहार की न्यूज पे ज्यादा देखा है, आप जिसने जहाँ देखा हो। अभी दौड़ा पे है, हैं? अभी दौड़े पे हो, दौड़े पे हैं, कहाँ से आए? दौड़ रहे हैं, जब से दौड़े पे आए तब से दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल। हाँ, करेरा गए थे, अभी मिले थे करेरा वाले, क्या लग रहा है इस बार? कुछ
बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्या नाम हो गया आपका? दिलीप सिंह कंसाना। दिलीप सिंह कंसाना, कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। अच्छा जी, कैसे? ग्वालियर से सतीश से करवा रहे हैं। नहीं, कैसे कैसे? हमारे जो कैंडिडेट है ना वो बहुत अच्छे हैं। छह बार है केपी सिंह कुछ और से विधायक है, आप शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जीवन जन पत्ती के पत्ती वाले के साथ। तो इस बार तो बड़ा फंसा है मामला है? है, फंसा तो नहीं है, मामला निकल गया। आप देखना बिल्कुल एकदम। क्या निकलेगा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या आएगी? कांग्रेस, कांग्रेस मध्य प्रदेश में अगली बार कांग्रेस आएगी। दिल्ली जा रहे हैं, यही रहते ग्वालियर में। हाँ, छह नंबर। कहाँ? ग्वालियर। ग्वालियर? अच्छा, जा नहीं रहे हो कहीं? नहीं, आए हो ग्वालियर। ग्वालियर आए हो? कहाँ से? मुरैना से। तो मुरैना तो बगल में है, 30 किलोमीटर है मुरैना। 40 अच्छा, 40 40 आओ, आ जाओ मेरे पास, पास आ जाओ मेरे, आ जाओ पास। लाइव बहुत लाइव है, बिल्कुल लाइव है। क्या नाम हो गया तुम्हारा? शिव कुमार। क्या काम करते हो शिव कुमार? ड्राइविंग। ड्राइविंग? यस। तो दिवाली चल रही थी, खत्म हो गई। क्या लग रहा है इस बार? सब ठीक चल रहा है। इलेक्शन में क्या है इस बार? इलेक्शन में तो मूड क्या है जनता का? चेंज ऑफ इंडिया। चेंज ऑफ इंडिया। चेंज ऑफ इंडिया। बाबूजी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ के रहने वाले? भिंड के। बताइए, ये मुरैना के हैं, ये भिंड के हैं। बाजी, ये इसका पानी ही अलग होता है, और पानी का मतलब ये होता है कि मूछ का मतलब होता है। यहाँ भिंड में है, मुरैना में है, ग्वालियर में है, सारी लड़ाई मूछ की है ना भाई? ये पुरानी बात है लेकिन असर तो अभी भी है। क्या कहते हैं आप? भिंड के हैं। मूछ की बात होती है? मूछ की नहीं, एक शान की बात होती है। मूछ शान है, एक मूछ। मूछ क्या है? शान। मूछ क्या है? शान। मूछ शान है। तो ये वही इलाका है भिंड, मुरैना, ग्वालियर का। बाजी, इस बार क्या लग रहा है? परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन होगा तो क्या? पढ़े लिखे नाम है इतने तो, चुनाव तो मालूम है। सबको चेंज चाहिए। हाँ जी, चेंज चाहिए। चेंज जी। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं अच्छा हूँ साहब। और साहब बढ़िया साहब? क्या लग रहा है इस बार साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव में? चुनाव में तो कांग्रेस आनी है।